जय श्री राधे। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से सुनने जा रहे हैं कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत की कथा। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को हर एकादशी पर एकादशी के व्रत की कथा सुना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी इसी YouTube चैनल के माध्यम से एकादशी के व्रत की कथाओं को श्रवण पान करते हुए चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज रमा एकादशी के व्रत की कथा है, क्योंकि इस महीने के कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम रमा एकादशी होता है। तो इस एकादशी के व्रत की कथा के बारे में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक उसी प्रकार प्रश्न किया जिस प्रकार हर बार वो प्रश्न करते हैं। तो एकादशी के व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाने जा रहे हैं। तो आइए हम भी यह कथा सुने, उससे पहले जय घोष के रूप में आप सभी हमारे इस वीडियो में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। उपवास एकादशीं विधवत् करोति जागरणम् निशि नित्यं संकीर्तनम् भक्त्या हरिः तस्य वशं भवेत्। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत किया करता है और रात्रि जागरण करके हरि कीर्तन किया करता है उसके वश में भगवान आ जाते हैं। नित्यं संकीर्तनम् भक्त्या, नित्य संकीर्तन से भगवान वश में आ जाते हैं। इसलिए यह नित्य संकीर्तन करके इस रात्रि में जागरण करना चाहिए और इस दिन व्रत उपवास करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के समक्ष बैठ करके हमें मन में संकल्प लेना चाहिए इस व्रत को करने का, और यह संकल्प लेते हुए हमें उन भगवान से यह कहना चाहिए कि हम आज पूरे दिन आपके इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। बिना संकल्प के व्रत जो है वो शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए संकल्प लेकर के व्रत आरंभ करें और पूरे दिन फलाहार भी आप इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि हरि कीर्तन करें और जागरण करते हुए यह व्रत करें और एकादशी के दिन में यह रमा एकादशी के व्रत की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है, एक समय महाराज मुचकुंद के राज्य में उनकी पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। वह बड़ी ही सुशील थी और महाराज जो मुचकुंद हैं वो देवताओं के, देवराज इंद्र के मित्र थे। देवताओं के साथ उनकी बड़ी ही परम मित्रता थी, उदार थे और बड़े ही वैष्णव और भक्त राजा थे। हर एकादशी को वो और उनकी प्रजा सभी लोग व्रत किया करते थे, और जो भी व्रत नहीं किया करता था एकादशी के दिन तो महाराज मुचकुंद उसे मृत्यु दंड दे दिया करते थे। मृत्यु दंड जैसा घोर दंड एकादशी व्रत ना करने वाले व्यक्ति के लिए वहाँ पर निर्धारित था। इसलिए उस भय से पूरी प्रजा एकादशी करती थी और फिर सब उत्साहित होकर के ये एकादशी का व्रत करने लगे। बड़े भाव से सभी लोग एकादशी का व्रत पूरी प्रजा मिलकर के किया करती थी। तो जो उनकी पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा, तो चंद्रभागा का विवाह महाराज चंद्रसेन के पुत्र के साथ में हुआ। चंद्रसेन जिसके पुत्र का नाम था शोभन, शोभन के साथ में विवाह हुआ। और शोभन एक दिन जब अपनी ससुराल आया, कुछ दिन वहाँ रहने लगा, तो उसके कुछ दिन बाद रमा एकादशी के आने का समय हुआ। तो चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, देखिए आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भूखे नहीं रह सकते, आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, और व्रत उपवास करना आप जब नहीं जानते हैं इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे पिताजी के यहाँ पर अगर कोई व्रत नहीं करता तो ये उसे मृत्यु दंड दे दिया करते हैं। आप यहाँ से चले जाइए और एकादशी के बाद भले ही आप यहाँ पर आ जाना, क्योंकि एकादशी के दिन यह पूरी प्रजा महाराज सहित हम सभी एकादशी का व्रत किया करते हैं। तब शोभन ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा प्रिय, अगर ऐसी बात है तो मैं एकादशी का व्रत करूंगा, जो होगा सब ठाकुर जी पर छोड़ दो, सब उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और शोभन ने भी यह व्रत किया। तो यह व्रत जब शोभन ने किया, पूरे दिन व्रत किया, भूखा रहा पूरे दिन और रात्रि में जागरण किया, तो भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया शोभन और उसके प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मुचकुंद ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना, सबको बड़ा ही कष्ट हुआ। महाराज मुचकुंद ने शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करवाई, लेकिन चंद्रभागा ने अपने शरीर को दग्ध नहीं किया था, वह ऐसी ही रही और अपने पिता के यहाँ मायके में ही रहने लगी। जब चंद्रभागा वहीं पर रहने लगी,
इधर एकादशी के व्रत के करने के प्रभाव से मृत्यु होने के कारण बड़ी ही उत्तम गति प्राप्त हुई शोभन को। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त शत्रुओं से रहित एक देवपुर प्राप्त हुआ, जहाँ पर वो रहने लगा और उस पर्वत पर वह वहाँ का राजा बना और वह बड़े ही धन धान्य संपदा में रहने लगा। उसके सिर पर मुकुट ऐसे विराजता और वह सिंहासन पर ऐसे प्रतीत होता मानो जैसे दूसरा देवराज इंद्र वहाँ पर विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण जो कि तीर्थयात्रा करते हुए घूमते फिरते हुए जा रहे थे, तब वह शोभन के यहाँ पर उसी राज्य में होकर के निकले जहाँ का राजा शोभन था। और जब वह शोभन को उन्होंने देखा तो वो पहचान गए कि यह तो हमारे यहाँ का राजा का जमाई है शोभन। और शोभन भी उसे पहचान गया और उसने अपने आसन से उठकर के उन्हें प्रणाम किया और उनसे कुशल क्षेम पूछी और प्रश्न किया कि हमारी पत्नी कैसी है, नगर में सब सकुशल तो हैं। तब ब्राह्मण ने बताया कि हाँ राजन, सभी लोग बड़े सकुशल हैं, सभी आनंदित हैं, लेकिन आपके जाने के बाद जो राजकुमारी हैं वह अभी भी ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। और तो और हमें तो इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि आपको इस प्रकार से ये सुंदर नगरी यह सब कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में हमने ना कभी सुना ना कभी देखा, इतनी सुंदरता वाली नगरी आपको कैसे प्राप्त हुई, राजन कृपया हमें भी यह सब वृतांत बताइए। तब शोभन ने कहा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, अस्थिर यह सब कुछ है और यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय करें। तब ब्राह्मण ने कहा हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे होगा, हमेशा के लिए आपको कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि अस्थिर का मतलब है कि हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो फिर इसको स्थिर करने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए, हमेशा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा आप राजकुमारी से अर्थात मेरी पत्नी से जाकर के कहिए वो रमा एकादशी का व्रत करें और श्रद्धा रहित वह जब इस व्रत को करेंगी तभी यह सब कुछ स्थिर हो सकता है। ये सारी बातें कहकर के ब्राह्मण को वहाँ से विदा किया और जब वह ब्राह्मण लौट कर के आया तो वह चंद्रभागा से मिला और उसने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या कोई स्वप्न की बात बता रहे हो, क्योंकि जिस प्रकार की बात आप कर रहे हो यह सब हकीकत नहीं लगती, ये सब एक स्वप्न लगता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या वो मिल सकते हैं। बोले हाँ। तो ब्राह्मण बोले हाँ देवी, मैंने एक ऐसा नगर देखा है, जो ऐसा सुंदर नगर, ऐसा सुंदर उपवन मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसे स्थान पर आपके पति हैं, लेकिन वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, उसे स्थिर बनाने के लिए किसी बड़े तपोबल की आवश्यकता है और हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वो हमेशा के लिए स्थिर हो सके। चंद्रभागा कहने लगी हे विप्र, तुम मुझे वहाँ पर लेकर के चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी और आप ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगियों को मिला देना ही बड़ा पुण्य का काम है, हमारा संयोग करवाइए। तब सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई और इसके बाद वह अपने पति के पास में आई और अपनी पत्नी को आता देख करके शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया और चंद्रभागा कहने लगी हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए, अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती हूँ, श्रद्धापूर्वक किया करती हूँ और उन समस्त पुण्य कर्मों को आज मैं यहाँ पर एकत्रित करके उनके फल के प्रभाव से मैं यह कहना चाहती हूँ, उनके पुण्यों के प्रताप से आज यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और यह कहकर के शोभन के साथ में मिलकर के चंद्रभागा ने रमा एकादशी का ही व्रत किया और इसी व्रत को करने के प्रभाव से वह नगर स्थिर हो गया
और शोभन और चंद्रभागा आनंदमय जीवन उस नगर में व्यतीत करने लगे और हर एकादशी का व्रत भी करने लगे। इसीलिए एकादशी का व्रत हमको अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है और यह रमा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। कार्तिक का महीना जो होता है बड़ा ही पुण्यदायी होता है, इसलिए इस कार्तिक के महीने में जितना पुण्य किया जा सके उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो जितना भी पुण्य इस महीने में आप अर्जित कर सकें उतना करिए, क्योंकि यह महीना पुण्यों के लिए बहुत ही विशेष है। यह महीना भगवान का बड़ा ही विशेष महीना कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान के नाम से भी इस महीने का एक नाम है, दामोदर मास। इस कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहा गया है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का अर्थात दामोदर का बड़ा ही प्रिय महीना है। इसी महीने में भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया था, मैया ने भगवान को उखल से भी बांधा था। तो यह महीना सर्वश्रेष्ठ महीना है, इसलिए इस महीने के इस एकादशी के व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से एकादशी के व्रत की कथा को सुना है। तो फिर मिलते हैं एक नई कथा की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।